समझिए कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल से निकाल के दूसरे सेल में इंसर्ट करना है। तो एक तो सेल इतनी छोटी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और छोटी, तो उसे आप एक सेल से निकाल के दूसरे सेल में इंसर्ट करोगे कैसे? उसके लिए तो आपको एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ट्वीज़र लगेगा, और ये माइक्रोस्कोपिक ट्वीज़र होता है लाइट। लाइट के इस्तेमाल से किसी चीज़ को मूव कैसे कर सकता है? तो समझिए कि एक ग्लास बीट थी जिसके टॉप से एक लेज़र बीम पास हो रही थी। अब रिफ्रैक्शन की वजह से ये लेज़र बीम नीचे की तरफ बेंड होगी। नीचे की तरफ बेंड होना यानी फोटॉन्स का चेंज ऑफ डायरेक्शन होना, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम होना। इस चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से ये ग्लास बीट ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और अगर ये ग्लास बीट बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, उसका वेट बहुत कम है, तो ये छोटा सा फोर्स भी सफिशियंट होगा इस ग्लास बीट को ऊपर पुश कर देने के लिए, और ये ग्लास बीट लेज़र बीम के सेंटर पर आ जाएगी। सिमिलरली अगर लेज़र बीम बॉटम से पास हो रही थी तो वो ऊपर की तरफ बेंड होगी और ग्लास बीट को नीचे पुश कर देगी, जिससे वापस ग्लास बीट बीम के सेंटर पे आ जाएगी। यानी एक तरह से ये ग्लास बीट लेज़र बीम के सेंटर पे लॉक हो सकती है अगर वो माइक्रोस्कोपिक है। और अब आप इस लेज़र बीम से उस ग्लास बीट को मूव भी कर सकते हो, और यही है संक्षिप्त तौर पर ऑप्टिकल ट्वीज़र्स।